मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बजने को हैं और मैं उठ गई हूँ, योगा करूँगी ऐसे सोचा है। और यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है। चलिए, ये बेबी का फेंसिंग बना है, उसे निकाल रही हूँ और वेदर बहुत अच्छा है। ये देखिए, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। कैलिफोर्निया मेरा सुबह शाम ठंडा हो जाता है, रात को भी ठंड लगती है तो कंफर्टर लेने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे बैकयार्ड है तो हम लोग वो बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ बालकनी है और इंडिया में ऐसे ही खुले स्पेसेस रहते थे घर पे। और यहाँ जब से आए थे तब से अपार्टमेंट में ही थे 4.5 ईयर से, और नाउ अगेन वापस आए हैं कैलिफोर्निया, तो फ्रेंड का जो बैकयार्ड है उसमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और उन लोगों ने काफ़ी कुछ लगा के रखा, और बैकयार्ड ना काफ़ी बड़ा है इनका, बहुत मस्त है। वैसे मैंने टूर दिया है डिफरेंट वीडियो में, सिंगल टूर दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें लगाई, और हमने यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी खाई और अभी भी खा रहे हैं, जैसे पपाया, ग्रेप्स, करी पत्ता भी मैं लेके जाती थी आती थी, तो करी पत्ता का भी हमेशा यूज़ करते हैं। अभी भी 3-4 बार तोड़ चुके हैं हम लोग, टमाटो घर का ही यूज़ कर रहे हैं। इतनी टमाटो हुई थी छोटी वाली, उसको छत्तीसगढ़ी में ना चिरपोटी टमाटर बोलते हैं, तो चिरपोटी टमाटर हमने बहुत यूज़ किया है यहाँ पे अभी, और रखी भी हुई है फ्रिज में, क्योंकि पक जाती है काफ़ी सारी तो तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे ये छोटा सा पॉन्ड भी है तो वो भी हम इंजॉय करते हैं, जिसमें एक कछुआ है, अभी वो अंदर है आई थिंक। और ये देखिए, ये जो गन्ना है ये भी हमने खाया था, शुगर केन जो है ये भी हमने पहले खा चुके हैं, अच्छा है, मीठा है। और ये लेमन भी हम यूज़ कर चुके थे पहले भी, और ऑरेंजेस भी, ये देखिए ये ऑरेंज का ट्रे है। तो ये सारी चीज़ें ना हम बहुत मिस करते हैं, मुझे और महेंद्र को बहुत इंटरेस्ट है इन सब में। इंडिया में भी ना हम लोग जब थे तो हमारा बालकनी था, काफ़ी बड़ा बालकनी था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें उगाई थी, जैसे कि करेला, हरी मिर्च, लेमन ग्रास, टमाटो, गुलाब के काफ़ी सारे प्लांट, तुलसी, और हाँ क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ ऑल स्पाइसेस का प्लांट था, वो तो काफ़ी बड़ा हो गया था। ऐसे करके ना काफ़ी सारी चीज़ें उगाई थी, अभी ठीक याद भी नहीं आ रहा है, मोगरा का फूल, ऐसे हमने बहुत इंजॉय किया था। और यहाँ पे प्लेन हेलीकॉप्टर जा रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, वहाँ जा रही होगी। और एलोवेरा के प्लांट तो मैंने बहुत सारे लगाए थे वहाँ पे, जब हम US आए तो मैंने अपने नेबर्स को जो अपार्टमेंट में मेरे रहते थे उनको दे दिया था, क्योंकि वो सब ख़राब हो जाते हैं ना। मुझे एलोवेरा का प्लांट बहुत पसंद था, लो मेंटेनेंस था, सुंदर भी दिखता था, तो मैंने डेकोरेशन के लिए और घर के अंदर भी ना मैंने काफ़ी सारे प्लांट लगा के रखे थे, जैसे मनी प्लांट, बैम्बू आता है ना लकी बैम्बू, वो भी लगा के रखा था, पाम का लगा के रखा था, तो ये 3-4 मैंने अंदर घर के भी लगा के रखे थे वहाँ पर, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ अपना योगा करने के लिए, मिलते हैं उसके बाद में। अभी मैं सुबह योगा कर रही थी, फ्रेंड के यहाँ आई हूँ तो वहाँ के बैकयार्ड में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत खुला खुला और ग्रीनरी है यहाँ पे। और कैलिफोर्निया का वेदर हमारा ऑल टाइम फेवरेट वेदर है, ये इंडिया जैसा ही, पुणे जैसा ही वेदर है। और सुबह शाम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्लेजेंट टाइम हो जाता है, दोपहर में थोड़ा गर्म रहता है। तो मैं सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर रही थी, फिर योगा कर रही थी और ये वेदर बहुत इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि डेलावेयर में तो घर में ही करना पड़ता है, वहाँ पे बैकयार्ड नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यहाँ जब फैसिलिटी है तो क्यों ना उस टाइम को इन्जॉय किया जाए और खुली हवा में योगा एक्सरसाइज किया जाए। खुली हवा में योगा एक्सरसाइज करने का अपना अलग ही मज़ा होता है, अगर आप लोग को कभी टाइम मिले तो ज़रूर ट्राई करिएगा, माइंड और बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, रिलैक्सिंग प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हेल्थ तो देता ही है। योगा हमेशा अच्छा रहता है, बॉडी को काम करता है, माइंड को काम करता है। और ये जो पोज कर रही हूँ मैं, ये बैलेंस करता है हार्मोन्स को, उसके लिए मैं कर रही हूँ। और नाव ये एक्सरसाइज जैसे बोल सकते हैं, दोनों हाथ और एक पैर में पूरे बॉडी का वेट डाल रही हूँ।
इससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है पैर का, और एक्सरसाइज भी हो जाता है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। अगर फास्ट करती हूँ इसी को तो एक्सरसाइज समझिए, और स्लो करती हूँ तो योगा समझिए। ये जो कर रही हूँ स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक में जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। नावे चाइल्ड आसन है या शशांक आसन है जो रिलैक्सिंग के लिए। यहाँ बैकयार्ड में एक पॉन्ड है जिसमें कछुआ भी है। ये कछुआ ना, उसका नाम भोलू रखा है। ये हमेशा ना बाहर आता है जब भी उसका नाम बुलाओ या जब इसका मूड रहता है तो, और ये रोटी स्ट्रॉबेरी ऐसी चीज़ें खाता है। और इसका अपना फूड भी होता है जो भी देते हैं हम लोग, लेकिन जो भी घर में खाते हैं ना वो देते हैं। फ्रूट तो काफ़ी सारी खाता है और रोटी भी खा लेता है, तो ये अच्छा है कि मतलब जानवर लोग भी सब खा लेते हैं। ये देखिए रोटी उसको तोड़ के दे रहे हैं, वो उसने लपक करके खा लिया। बहुत मज़ा आता है हम लोग को इसके साथ खेलने में। देखिए देते जाएंगे वो बढ़िया खाते जाता है, तोड़ तोड़ करके जीते जाओ। जब उसको भूख रहती है ना बहुत अच्छे से खा लेता है। और जब पॉन्ड में पानी निकाल देते हैं क्लीन करने के लिए तो बैकयार्ड में पूरे घूमते रहता है। ये देखिए शायद खेल रहा है, उसे खा भी रहा है और खेल भी रहा है। और ये देखिए फाउंटेन के साथ जब पानी आता है तो ऐसा दिखता है ये बैकयार्ड का। ये पिक्चराइज मैंने ने किया तो पता चल ही रहा होगा, मैं ऐसे पिक्चराइज नहीं करती क्योंकि मैंने बोला था उन्होंने स्टिक रख दिया, तो आई थॉट टू लेट्स यूज इट। ये देखिए ये और ये इनके बैकयार्ड में ना मिंट है। मिंट का मैंने कभी भी फ्लावर और सीड नहीं देखा था, बट यहाँ पर फ्लावर और सीड देखने को काफी लंबा पैच लगा है। ये देखिए ऐसे मिंट के यहाँ से यहाँ तक फ्लावर देखने का, आई थिंक 6 से 8 फिट है जिसमें कि ये मिंट लगा हुआ है। सब में फ्लावर आए हैं और सीड भी आया है। ये बन रही है इमली की चटनी, इमली की चटनी जो कि यूज और कचौरी बना रहे हैं, प्याज कचौरी। तो उसकी जब तैयारी कर रहे हैं आप इकट्ठा करके रखे हैं, पोटैटो भी डालूंगी इस कचौरी में। प्याज की कचौरी बना रहे हैं, इमली की चटनी, इमली की चटनी और दही के साथ में। यहाँ पर ना एक और चीज़ मैंने देखा, स्पेगेटी स्क्वैश, मेरी फ्रेंड लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया। इसमें ना जैसे स्पेगेटी जैसे लच्छे निकलते हैं, तो इसको क्या काट करके माइक्रोवेव में या फिर अवन में रख दो और थोड़ा गरम कर दो। गरम करने के बाद ना इसके लच्छे बहुत ईजिली निकल जाते हैं। ये देखिए हमने निकाला है, और इसको आप नूडल्स जैसे बना सकते हैं। तो US में कैसे मैरिनेरा सॉस आता है, तो इसको मैरिनेरा सॉस के साथ खा सकते हैं। मैं जा रही हूँ बैकयार्ड में, और मैं अभी जा रही हूँ करी पत्ता लेने के लिए, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं हाड़गो। तो घर में करी पत्ता फ्रेश है तो क्यों ना उसे यूज किया जाए। तो ये करी पत्ता तोड़ रही हूँ और इसे यूज करेंगे हांडवो के लिए। तुरई की सब्जी तो हमें सोचा बहुत सुंदर लगता है, और ना फ्रेश चीजें घर में तोड़ करके यूज करने का मजा ही कुछ और होता है। तोड़ लिया एक अलग टाइप का खुशी लगता है, और ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी है। हेल्दी लगता नहीं, हेल्दी तो है ही है। बड़े गमले में अच्छा लगता है घर में अगर कुछ चीजें हैं और सेम टाइम उसे यूज करो तो वर्थ हो जाता है कि आप उसके पीछे इतनी मेहनत करते हैं उसका। और यहाँ पर ना इन लोगों ने दो जगह करी पत्ता लगाया हुआ है, तो ये बड़ा वाला प्लांट है तो मैंने उसका ही तोड़ लिया, और छोटा वाले प्लांट में भी है। तो अब जा रही हूँ किचन में हांडवो बनाने के लिए। हरी चटनी के साथ हमने हांडवो बनाया है जिससे करी पत्ता यूज किया था। गाइस हमने स्टार्ट किया अपनी जर्नी जिस काम के लिए आए थे, आज डे वन है उसका। तो हम लोग सब जा रहे हैं UCI महिंद्रा के लिए, और मैंने उसे पूछती हूँ कि कैसा फील कर रहा है। हेलो महिंद्रा, नाउ हाउ आर यू फीलिंग? डर लग रहा है। सही है, सही है, ठीक है। सच सच बोलो, डर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, ठीक है चलो फिर, ठीक है। कैलिफोर्निया में ऑल द टाइम वेदर बहुत अच्छा रहता है। हम कुछ रीजन से कैलिफोर्निया आए हैं जो कि महेंद्र के हेल्थ रिलेटेड हैं, और वो स्क्रीनिंग प्रोसेस चालू हो गया है। महेंद्र के हैंड में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया था लास्ट ईयर कुछ इंसिडेंट्स के कारण, तो वो रिजॉल्व करने आया है। ये महेंद्र के हैंड का थर्ड सर्जरी रहेगा। फर्स्ट वाला इमरजेंसी केयर में था और सेकंड सर्जरी था क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। तो अभी थर्ड सर्जरी होगी जिसमें महेंद्र के हैंड का मतलब
एल्बो से लेकर के रिश तक के पोर्शन में काफ़ी सारा काम होगा। तो फर्स्ट डे महेंद्रू का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ और नर्व्स टेस्टिंग हुआ, और सेकंड डे उनका कोरोना वायरस टेस्ट था। तो ये दोनों टेस्ट हो गए हैं, उसके बाद बीच में ब्रेक है, उसके बाद उनका सर्जरी है। और ये सर्जरी उनकी लॉन्ग चलेगी। एक्चुअली उनके साथ कुछ इंसिडेंस हो गया था यहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर में जब हम कैलिफोर्निया में थे, वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। मे बी डेलावेयर जाने के बाद या किसी नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। एक्चुअली अवेयरनेस के लिए मैं शेयर करूँगी, शेयर नहीं करना चाहते थे, बट अभी इन बिटवीन आना पड़ा और हाथ ठीक नहीं हुआ और मैं डेली रूटीन ब्लॉक कर रही हूँ। तो डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए मुझे वो आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी, और उसके लिए अवेयर रहें। और तो आज के लिए मैं इतना ही चीज़ें शेयर करूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।